नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो के साथ। और आज हम आप लोगों को बताएंगे बागवानी में नवीनतम प्रौद्योगिकियां क्या है, रिसेंट टेक्नोलॉजीज इन हॉर्टिकल्चर। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं या बहुत सारी वैरायटीज है जो ICAR और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज द्वारा SAU द्वारा डेवलप की गई है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो 2। ये IRA द्वारा डेवलप, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली उनके द्वारा डेवलप है ये वैरायटी। और ये चेरी टोमेटो वैरायटी है और जनरली ये सैलेड के रूप में यूज़ होती है। और गोल्डन चेरी टोमेटो 2 जो है ये पहली इंडिजिनस गोल्डन येलो चेरी टोमेटो है और ये पॉलीहाउस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और लो कॉस्ट प्रोडक्टिव कल्टीवेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल देखना है तो इंडियन हॉर्टिकल्चर की जो जनवरी फरवरी का जो अंक है 2022 का, उसमें इसके बारे में पूरे डिटेल। दूसरा हम लोग बात करते हैं मलय रोज एप्पल की। मलय रोज एप्पल जो है इसको माउंटेन एप्पल भी कहते हैं और मलय जामुन कहते हैं हिंदी में, मलय जाम कहते हैं मराठी में, बहुत सारे इसके नाम हैं। और ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और क्योंकि ये मैरिडेसी फैमिली का है और काफ़ी हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत न्यूट्रिशियस है और काफ़ी रिच है, जैसे विटामिन ए और विटामिन ए का आपको आई के हेल्थ में और आई साइट को इम्प्रूव करता है, स्किन को नॉरिश करता है और रिंकल्स को रिड्यूस करता है, शुगर इसमें बहुत कम होता है। और ये फ्रूट जो है ये शुगर इनटेक और डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा विटामिन सी भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में बहुत सारे स्ट्रेस और डिजीज़ को क्या करता है, प्रिवेंट कर तो और डिसेंट्री और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा ये हेल्प करता है। आयरन कंटेंट है जो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, तो बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और इसके बारे में भी नवंबर दिसंबर का जो अंक इंडियन हॉर्टिकल्चर का 2021 का, इसमें इसके बारे में डिटेल में है। तीसरा हम लोग बात करें ड्रैगन फ्रूट की। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारा जो इससे पहले वीडियो आया था ड्रैगन फ्रूट्स के ऊपर, मैंने एक वीडियो भी निकाला था, तो ड्रैगन फ्रूट जो है इस समय अब इंडिया में ICAR द्वारा काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है इसके कल्टीवेशन को। और ड्रैगन फ्रूट जो है ये पोटेंशियली हाई वैल्यू क्रॉप है और इसको अभी नया इंट्रोडक्शन इंडिया में, और इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है और क्वीन ऑफ द नाइट भी कहते हैं, नोवलुमेन भी कहते हैं। और जो इसका जूस है ये बहुत ही डिलीशियस होता है और जो डिफरेंट कलेक्शंस इसके ड्रैगन फ्रूट्स के सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा कलेक्शन किया गया है और अपने एक्सपेरिमेंटल फार्म में लगाया गया है। इसमें वाइट फ्रेश में भी आता है और पिंक फ्रेश में भी आता है, मार्केट में भी अवेलेबल है। आप देखते होंगे 100 और 150 रुपीज़ का एक फ्रूट होता है, तो इसको कमलम भी कहते हैं हिंदी में। तो इसके बारे में भी आप हमारे ICAR की जो वेबसाइट है उसके बारे उसमें आप लोग इसकी डिटेल जान सकते हैं और उस वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये एक हाइल्डिंग राउंड मेलन। राउंड मेलन का मतलब टिंडा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, या स्क्वैश मेलन भी कहते हैं, इंडियन स्क्वैश भी कहते हैं। राउंड मेलन ये ग्रीन कलर का नॉन फाइब्रस है और ये जो इसकी जो वैरायटी है पूसा रौनक IRA द्वारा डेवलप की गई है। और टिंडा आजकल मार्केट में अब काफ़ी इसकी धीरे धीरे काफ़ी डिमांड हुई है और इसके बारे में भी आप इंडियन हॉर्टिकल्चर में पढ़ सकते हैं डिटेल। अगला है ये हमारे संस्थान द्वारा विकसित VL सब्जी मटर 15। आपने VL अगेती 7 या विवेक मटर 10, 11, 12 के बारे में या VL सब्जी मटर 13 के बारे में सुना होगा, तो VL सब्जी मटर 15 भी एक मध्यम अवधि का मटर है और जो खासकर उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट हिमालय रीजन के लिए एक अच्छा एक विकल्प हो सकता है। और ये बौने किस्म के होता है, अच्छी बढ़वार होती है, हरी पत्तियां होती है और इसकी ऊंचाई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। सामान्यतः ये क्या होता है कि इसमें लगभग 10 से 18 फलियां प्रति पौधा लगता है और कह सकते हैं प्रति फली लगभग 8 से 10 मीठे दाने इसके लगते हैं और जो इसकी औसत उपज देखी गई है लगभग 11 से 13 टन प्रति हेक्टेयर है। जैविक और अजैविक दोनों स्थितियों के लिए उपयुक्त है, तो ये मध्यम अवधि की हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए काफ़ी अच्छा है। वैज्ञानिक तरीके से केसर की खेती, ये अभी फल फूल में हमारा ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था मई जून 2022 का, जो रिसेंट अभी फल फूल के मैगजीन आई थी उसमें ये केसर के बारे में बताया गया था, हम लोगों का केसर का एक आर्टिकल था। तो आप जैसे जान ही रहे हैं केसर के बारे में, हम लोगों ने इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ बनाए हैं,
तो केसर अपने आप में एक अद्भुत गुणों और सुगंध के कारण जाने वाला बहुत प्रमुख मसाला है और इसमें औषधीय गुण भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और बहुत महंगा है, इसलिए इसको रेड गोल्ड भी कहते हैं, लाल सोना भी कहते हैं, क्रोकस सैटिवस। और वैसे मुख्यतः जो केसर की खेती है वो जम्मू कश्मीर के पंपोर इलाके में की जाती है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में इसका भी ट्रायल किया जा रहा है और हम लोगों ने भी इसका ट्रायल अपने एरिया में किया था उत्तरकाशी जनपद में और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। और क्योंकि ये जनरली क्या है कि अगर हम इसको सेब के बगीचों में लगाते हैं तो रोपण के 5वें वर्ष के बाद प्रति हेक्टेयर 6 से 7 लाख की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और इस समय बाज़ार में जो केसर की कीमत है वो लगभग 2 से 3 लाख प्रति किलोग्राम है, बल्कि 4 लाख तक भी जाती है। मोगरा, केलग है और लच्छा, इस टाइप से जाफरानी, अलग अलग प्रकार के केसर होते हैं। तो इस आर्टिकल को अगर आपको पढ़ना है तो फल फूल का जो मई जून 2022 का संस्करण है आप उसमें केसर के बारे में विस्तार से जान सकते हैं या फिर हमारे जो वीडियो और भी वीडियो बनाए गए हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा सहजन के बारे में बात करते हैं। सहजन देखिए पोषक तत्वों का एक खजाना कहते हैं और सहजन प्रोटीन, विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम, इन सब का बहुत प्रमुख स्रोत है। इसको मैरेकल ट्री भी कहा जाता है ना, चमत्कारी वृक्ष है और इसमें 4 ग्लास दूध के बराबर कैल्शियम होता है, 2 गुना प्रोटीन होता है, 7 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है, 3 केले के बराबर पोटेशियम होता है, पालक से 3 गुना आयरन होता है, गाजर से 4 गुना विटामिन ए होता है। देखिए कितना मतलब न्यूट्रिशियस है और इसके कैनिंग द्वारा संरक्षित करके दुनिया भर में इसका निर्यात किया जाता है। इस समय जो सहजन है इसको काफ़ी जगह पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो और इसकी जो पत्तियां हैं व्यावसायिक स्तर पर सुखाकर इसका पाउडर बनाया जा रहा है जिसका बहुत सारे रोगों में उपचार में भी इसको प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल से, जड़ से, फूल से और तेल का प्रयोग करते हैं और बहुत सारी दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका हर पार्ट खाने योग्य होता है। तो सहजन जो हमारे लो वैली एरिया है या जो मिडिल जो प्लेन का है, मैदानी क्षेत्रों में सहजन की खेती बहुत अच्छे लार्ज स्केल में की जाती है, तो सहजन ज़रूर अपने घर में एक होना चाहिए। इसके अलावा गुलाब की पंखुड़ी का जैम बनाया जाता है और ये अभी ICR सीफेड द्वारा इसका डेवलप किया गया कि जो गुलाब की पंखुड़ी से जैम बहुत अच्छा बनाया गया और इसका जो, क्योंकि गुलाब को आपको बताइए फूलों की रानी कहा जाता है और इसका मेनली जो है कॉस्मेटिक और औषधीय में उद्योग में किया जाता है। विटामिन सी इसमें होता है, कैरेटोनॉइड होता है, फिनोलिक कंपाउंड होता है, एंथोसाइनाइड्स होता है और बहुत सारे मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो अभी तक उपलब्ध नहीं था गुलाब के पंखुड़े का जैम, लेकिन ICR सेफेट ने पहली बार इसका जैम, इसका पाउडर और को तैयार करके इसका जैम तैयार किया है। तो ये बहुत एक अच्छा, जो लोग जैम जेली वगैरह इंडस्ट्री में हैं या लोग जो गुलाब की खेती कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा, एक नया कार्य हो सकता है, नया उद्यम हो सकता है। इसके अलावा विवेक QPM 99, QPM का मतलब होता है क्वालिटी प्रोटीन मेज, यानी कि जिसमें प्रोटीन जैसे लाइसिन हो गया है ना, ट्रिप्टोफैन हो गया, तो इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नॉर्मल वेराइटी से ज़्यादा होता है, 1.5 to 2.2% लाइसिन और 0.3 to 0.4% ये नॉर्मल पॉपुलर हाइब्रिड्स में होता है, जबकि जो हमारे QPM 9 है इसमें 4.19% प्रोटीन होता है और 0.83% ट्रिप्टोफैन होता है और इसकी जो ग्रेन यील्ड है लगभग 52 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है और इसकी जो मैच्योरिटी है लगभग 88 डेज की इसकी मैच्योरिटी है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की जो हिली रीजन है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बहुत सारे तमिलनाडु, बहुत सारे स्टेट्स में इसको अडॉप्शन किया गया है और ये ICR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो अल्मोड़ा इंस्टीट्यूट है हमारा हिल का, उसने ये डेवलप किया है QPM 9। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है और बायोफर्टिफाइड वैरायटी में इसको किया गया है। इसके अलावा वर्टिकल गार्डनिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी डिटेल में, लेकिन वर्टिकल गार्डनिंग एक नया कॉन्सेप्ट गार्डनिंग का जो खासकर स्विट्ज़रलैंड ने डेवलप किया था और अभी आप देखते हैं कि अब इंडिया में भी वर्टिकल गार्डनिंग को काफ़ी अच्छा अडॉप्ट किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम होती है या जो लोग फ्लैट्स अपार्टमेंट में रहते हैं वो लोग भी अपना कुछ गार्डनिंग कर सकते हैं, चाहे वेजिटेबल्स की है, एग्जोटिक वेजिटेबल्स की है, या फिर जो लोग पॉली हाउस या प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन करते हैं वो लोग भी वर्टिकल गार्डनिंग का
कर सकते हैं और उसमें अपने सब्जियां वगैरह लगा सकते हैं। इस प्रकार से कुछ हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की हेल्प से। तो वर्टिकल गार्डनिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एसिड लाइम न्यूट्री जेली, ये डेवलप किया गया है CCRI नागपुर द्वारा। ये एक जेली है जो बहुत न्यूट्रिटिव होती है और इसमें विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो इस प्रकार की जेली को भी, एसिड लाइम जेली अभी तक नहीं था, जो CCR नागपुर द्वारा डेवलप किया गया है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी और अगले वीडियो में हम लोग कुछ वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे। जो वेराइटीज़ हमारे CITH या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ द्वारा या IIHR बेंगलोर द्वारा कुछ वैराइटीज़ डेवलप की गई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे CISH ने एप्रिकॉट का निकाला है या वॉलनट की वैराइटी है, इन पे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।